फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन बाय गीता शर्मा, जहां हर कोई बनेगा डिजाइनर। रुको रुको रुको, मुझे पता है आप लोगों को ड्रेस देखने की जल्दी है, बिल्कुल आप ड्रेस देखना, पर ड्रेस देखने के बाद वापस रिपीट पूरी वीडियो आप जरूर सुनना, नहीं तो बहुत सारी नॉलेज आप लोगों से छूट जाएगी। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखा करो, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ पर बहुत सारी नॉलेज वीडियो के अंदर देती हूँ। क्योंकि देखिए, सबके पास कपड़ा होता है पर कपड़े को कैसे सोचकर बनाना चाहिए वो मैं वीडियो के अंदर बताती हूँ। तो अच्छी ड्रेस बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ही जरूरी है। और अभी ही मैंने अपने जो सेकंड चैनल है व्लॉग्स बाय गीता शर्मा, वहां पर एक बहुत अच्छी वीडियो डाली है। एक सिंपल सी टी शर्ट और डांगरी को मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, साइड में आप ये छोटी सी वीडियो देख सकते हैं। 200 रुपए की डांगरी को मैंने बहुत सुंदर और महंगा बना लिया है, कैसे बनाया है और जीन्स का रीयूज भी उसमें किया है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लेना। और आप मेरे सेकंड चैनल व्लॉग्स बाय गीता शर्मा पर जरूर विजिट कीजिए, सिलाई से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मैं वहां देती रहती हूँ और अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी लाती रहती हूँ अपनी लाइफ से जुड़े हुए, जो कि बीच बीच में एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी चाहिए। अगर हम इतना काम करते हैं तो हम क्या एंजॉय करते हैं लाइफ में, वो सब मैं दिखाती रहती हूँ वहां पर। तो फ्रेंड्स, ये जो ड्रेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये मैंने नई साड़ी में से बनाई है। पुरानी साड़ियों का तो बहुत सारा रीयूज मैंने अपने चैनल पर किया है, साइड में आप देख सकते हैं सारी पुरानी साड़ी की वीडियोज मैंने बनाई है। क्योंकि आप मुझे कमेंट करते हैं कि इस तरह की साड़ी हमारे पास है, तो मैं फोन कर देती हूँ इधर उधर कि यार ऐसी साड़ी है क्या, डबल कलर की साड़ी है क्या, या डबल शेड की साड़ी है क्या, या पूरी भरी हुई साड़ी है क्या। तो जो मुझे मिलती है उसका मैं रीयूज आपको दिखाती रहती हूँ चैनल पर। तो अभी ही अर्जेंट में एक शादी आ गई। अब वही होता है ना कि एकदम से कोई शादी आ जाती है या कहीं पार्टी में जाना होता है तो हम एकदम से क्या बनाए और क्या पहने, वही पुराने कपड़े या तो हमें रिपीट करने पड़ते हैं। तो मैं तो कर लेती हूँ, पर अब मेरी बेटी हो गई तो मुझे ये लगता है यार उसके लिए मैं अच्छे से अच्छे ड्रेस बनाऊँ। तो मेरी मम्मी ने मुझे 600 रुपए की साड़ी दी थी, अभी नई साड़ी दी थी, तो मैंने उसमें से अपनी बेटी के लिए बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है। ऐसी ड्रेसेस इंस्टाग्राम पर 4-4, 5-5 हज़ार रुपए की मिल रही है, फेसबुक पर भी बहुत महंगी मिल रही है। जॉर्जेट के कपड़े के जम सूट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, कोट सेट भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे अच्छे ड्रेसेस देखने के लिए मिले तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने के हमें कोई पैसे नहीं मिलते, लाइक करने के कोई पैसे नहीं मिलते, आप बस हमारी वीडियो को देखिए क्योंकि हम इतनी मेहनत से बनाते हैं और देख कर लाइक कर और जो कमेंट करते हैं उससे हमारा दिल खुश होता है कि हाँ आपको हमारी बनाई हुई ड्रेसेस अच्छी लगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की ये साड़ी थी, किस तरह से मैंने सोचा और किस तरह से मैंने ड्रेस बनाई। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम साड़ी देख लेते हैं फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। साइड में आप छोटी सी वीडियो भी देखते रहना। अभी तक इस साड़ी का टैग भी नहीं निकला है तो मैं टैग भी इसका निकाल देती हूँ आपके सामने ही। और ब्लाउज पीस भी इसके अंदर ही जॉइंट है, जो कि मेरी मम्मी ने मुझे ये 600 रुपए की साड़ी दिलाई थी। 3 शेड में ये साड़ी है, छोटे छोटे फ्लावर और बूटियाँ बनी हुई हैं पल्लू पर, और नीचे की तरफ पूरी साड़ी पर प्रिंट है, बड़े बड़े फ्लावर हैं और नीचे ना फ्लावर लगे हुए हैं, मतलब छोटे छोटे फ्लावर कढ़ाई के भी हैं। अभी मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये छोटे छोटे फ्लावर जो है ना ये कढ़ाई के भी हैं और वैसे प्रिंट भी है। लेस सिर्फ पतली सी लगी हुई है पर अच्छी वाली लेस लगी हुई है, बेकार वाली नहीं है कि झोल आ रहा है उसमें, ऐसी लेस नहीं है। पूरी साड़ी पर है ये, जहाँ तक पूरे में बल आएंगे वहाँ तक है। उसके बाद है ये ब्लाउज पीस इसका, इस पर भी थोड़ी सी लेस लगी है क्योंकि लेस हमें काफ़ी सारी चाहिए तो ये भी हमारे काम आएगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे सोचकर इस साड़ी में से ड्रेस बनाई है। तो चलिए हम पल्लू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से निकाला है मैंने बॉडी का फ्रंट पार्ट, और जब मैंने फ्रंट पार्ट निकाला ना तो सिर्फ 2 ही फ्लावर उसके जो फ्रंट पर आ रहे थे, 3 नहीं आ रहे थे। और ऊपर से लाइट कलर की तरफ से निकाला है मैंने बैक पार्ट, तो आधे मीटर में तो ये मेरा निकल गया, ठीक है। उसके बाद जो कपड़ा बचा मेरे पास उसका सारे की मैंने फ्रिल बनाई है, यानी नीचे जो फ्लावर वाला हिस्सा आ रहा है प्रिंट का, इसकी एक फ्रिल हो गई, फिर बीच वाले हिस्से की फ्रिल हो गई, फिर एक इसकी फ्रिल हो गई, ठीक है। 3 फ्रिल मैंने बनाई है। ये साड़ी की लेंथ में से आपको फ्रिल डिवाइड करनी है, यानी कि अगर 30 इंच लेंथ है आपकी तो 10-10 इंच की फ्रिल बना लीजिए,
और अगर आपकी लेंथ 40 इंच है तो उसे तीन हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद अपनी जो गाउन है उसकी लेंथ रेडी कीजिए कट कर कर। नीचे की जो लेस है वो काफ़ी अच्छी थी तो मैंने उसको लगे रहने दिया, उसको नहीं हटाया है। और साइड में जो एक्स्ट्रा लेस थी वो मैंने हटा ली थी ये पल्लू की चौड़ाई से, और ये जो 2 मीटर थी यानी 3 साढ़े 3 मीटर की लेस जो मेरे पास एक्स्ट्रा थी उससे मैंने स्लीव्स को डिज़ाइन किया था। और इस गाउन को पहनकर मेरी बेटी बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लग रही थी, बिल्कुल डॉल जैसी लग रही थी। बड़ा दिल खुश हुआ कि नई साड़ी में से ड्रेस बनाई है और बहुत सुंदर लग रही है। कौन कौन अपनी मम्मी की नई साड़ी में से ड्रेस बनाएगा वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट कर जरूर ही बताना। तो ये हो गई है हमारे पास लेस और बाकी हमने लगी रहने दिए। तो चलिए आगे गाउन देखते हैं हम कैसा लग रहा है हमारा। ठीक है, अब आप देखिए ये एक फ्लावर आया यहाँ पर और ये एक फ्लावर आया यहाँ पर, बीच में फ्लावर नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने क्या किया, जो मैंने आपको 3 फ्लावर दिखाए थे ना उस फ्लावर को मैंने कट किया अच्छे से, कैंची से कट करने के बाद मैंने उसे मोमबत्ती से जैसे जला लेते ना कि धागे नहीं निकले, ऐसे मैंने धागे निकाल लिए। धागे निकालने के बाद मैंने बारीक सिलाई लगाई और हाथ से भी इसको टाक दिया है, जो कि ये बॉडी पर पूरी बॉडी ऐसे लग रहा है कि कढ़ाई की हो रखी है। ये ना मैनीक्यून पे भी नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी बेटी बहुत पतली सी है, तो मैंने ये मैनीक्यून के ऊपर लगाया हुआ है गाउन को, पिनअप किया हुआ है। स्लीव्स देखिए, आजकल की जो ट्रेंडिंग स्लीव्स है वो मैंने बनाई है, पफ वाली स्लीव्स बनाई है। और नीचे की तरफ कोहनी तक तो मैंने पफ बनाए हैं और नीचे मैंने पूरे में बॉर्डर बनाया है। कलर कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, नीचे सिर्फ बॉर्डर आ गया है ये पतला सा और 3 शेड आई हुई है। नीचे वाले जो लाइनिंग है उसको मैंने कॉटन मिक्स कपड़े की लगाई है और उसमें कैनकैन पट्टी भी लगाई है। ऊपर की तरफ कैनकैन पट्टी नहीं लगाई है, अंदर वाले लाइनिंग पर ही कैनकैन पट्टी लगाई है। ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रही है, कमेंट कर आप मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। और अगर मैं इसको और हैवी करना चाहती तो येलो के ऊपर येलो सीक्वेंस लगाती, ब्लू के ऊपर ब्लू सीक्वेंस लगाती और भी इसको अच्छा डिज़ाइन कर लेती, पर मैंने 600 रुपये की साड़ी से 3000 रुपये तक की ये ड्रेस बना ली है जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मेरी बेटी के ऊपर भी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी सुंदर, मुझे तो ये लग रही है मैंने तो बहुत मेहनत की है। आप लोगों को कैसी लगी है आप भी मुझे कमेंट कर बताइए, और किस तरह की ड्रेस आपको देखनी है वो भी मुझे बताइए। और अब आपको अच्छे से अच्छा आइडिया आ जाएगा कि आपके पास जो नई साड़ी रखी है ना मम्मी की बहुत अच्छी वाली, अभी आप उसको लेने वाले हैं और उसमें से ड्रेस बनाने वाले हैं। कौन कौन ऐसा करने वाला है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ही आप बताना। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस आप मेरे चैनल पर देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नया लेकर। बाय फ्रेंड्स, बाय।